What do we mean by the term carbon resistors बेटे, और carbon resistors हमारे जो हैं किस तरीके से बेटे हमारे काम आते हैं और हम इनको स्टडी कैसे किया कर सकते हैं. वी वांट टू फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट बेटे. सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि resistors जो हैं ये बेसिकली क्या है. बिगनिंग में भी हमने चैप्टर के ये बात डिस्कस की थी कि रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग है अपोजिशन आपके करंट के फ्लो को ऑफर करना. आपके पास एक मेटल का बना हुआ वायर है, मे बी कॉपर का होगा, मे बी एल्यूमिनियम का होगा, मे बी सिल्वर आप ले लो, सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर. इवन देन आप जब करंट पास करवाओगे अपने वायर में से तो वायर उसमें थोड़ा बहुत करंट के फ्लो को अपोज करेगा, अपोजिशन फेस करना पड़ेगा आपके करंट को. उस अपोजिशन को बेटे आप रेजिस्टेंस बोला करते हो. और आप जब रेजिस्टर्स की बात करते हो, यू मे बी हैविंग वायर रेजिस्टर्स बेटा, रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल वायर, जिसको आप वायर रेजिस्टेंस बोल देते हो. और सेकंड कैटेगरी हमारे पास बेटे कार्बन रेजिस्टर्स की है. अब ये कार्बन रेजिस्टर्स जो आपके हैं ये वायर रेजिस्टर्स से कैसे अलग हैं. इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, हमारा जो कार्बन है, कार्बन को किसी ग्लूइंग एजेंट के साथ हम सिलेंड्रिकल वेसल में पैक कर देते हैं. आपने कार्बन अदरवाइज देखा होगा पाउडर्ड फॉर्म में. कार्बन को आप किसी भी बाइंडिंग एजेंट ले लीजिए बेटा, कार्बन कार्बन आफ्टर एडिंग सम बाइंडिंग एजेंट या ग्लूइंग एजेंट भी आप कह सकती हो, या ग्लूइंग एजेंट इज पैक्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल बेटा, और उसके बाद उसको दो लीड्स लगा दी जाती हैं एंड्स पे. टू लीड्स आर अटैच्ड एट द साइड्स बेटे. इसको आप बेटे कार्बन रेजिस्टर्स या कार्बन रेजिस्टर्स सिंपली कह देते हो. तो फिर हमारा स्ट्रक्चर बेटे कैसे हुआ, ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, कोई ज्यादा थिक नहीं होता, थिन नहीं होता है ये. इसके अंदर आपने कार्बन को किसी ग्लूइंग एजेंट के साथ या किसी बाइंडिंग एजेंट के साथ ऐसे करके पैक कर दिया. पैक करने के बाद आपने दो टर्मिनल्स अटैच कर दिए, दो लीड्स अटैच कर दी, ये आपका कार्बन रेजिस्टर बन जाता है. इसमें आपका जो रेजिस्टेंस है फ्यू ओम से लेकर आपका मेगा मिलियन ओम तक वेरी करता है. काफी ज्यादा रेंज आप अपने इस कार्बन रेजिस्टर्स को दे सकते हो. मैं फिर से पुत्र रिपीट करूं, कार्बन रेजिस्टर्स जो हैं इनका रेजिस्टेंस फ्यू ओम्स से लेकर मिलियंस ऑफ ओम्स तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पैकिंग यू हैव डन इन दिस केस बेटा. दूसरी बात यह है कि जब आप ये वाले कार्बन रेजिस्टर्स यूज करते हो, या सेकंड केस हमारा वायर रेजिस्टेंसेस हैं वो यूज करते हैं, तो दोनों में थोड़ा फर्क रहता है. यहाँ पे और उस केस में अगर आप कंपैरिजन करो तो नॉइस लेवल का फर्क होता है. सो इन दिस वे बेटा आप कार्बन रेजिस्टर्स का बैकग्राउंड या बेसिक समझ सकते हैं. मैं एक बार बेटे ब्रीफली रिपीट करूंगा बिफोर प्रोसीडिंग द डिस्कशन अहेड. कार्बन रेजिस्टर्स बनाए कैसे जाते हैं, डिजाइन कैसे किए जाते हैं. आप लोग कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं पाउडर्ड फॉर्म में, उनको किसी बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लेते हो. उस पेस्ट को आपने सिलेंड्रिकल वेसल में पैक कर दिया. पैक करने के बाद आपने उसके एंड्स पर दो लीड्स लगा दी, ताकि आप इसको लीड्स को कनेक्ट करके अपने करंट को फ्लो को स्टडी कर सको बेटा. और इसमें आपका जो रेजिस्टेंस है ये फ्यू ओम्स से लेकर मिलियंस ऑफ ओम्स तक वेरी करता है.
लेकिन अदरवाइज अगर आप वायर का रेजिस्टेंस इतना बड़ा बनाना चाहो तो आपको लॉन्ग लेंथ ऑफ द वायर चाहिए होगा, सो दैट विल बिकम अ लिटिल बिट इनकन्वीनियंट। इस केस में क्या चाहिए होगा, आप कार्बन पार्टिकल्स की पैकिंग टाइट कर दीजिए पेस्ट, और टाइटली पैक कर दीजिए, आपका रेजिस्टेंस जो है दैट विल इम्प्रूव बेटा। सो इज योर कार्बन रेजिस्टेबिलिटी, लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कार्बन रेजिस्टर के ऊपर चार रिंग्स बने होते हैं, एक दो तीन, चौथा थोड़े गैप पे होता है, कईयों में नहीं भी होता, तो आपने इन रिंग्स के कलर को देखकर इसका रेजिस्टेंस निकाल लेना है, तो वो कलर कोड ही हम बेटे स्टडी करने वाले थे। लेट अस कंटिन्यू विद अवर डिस्कशन अहेड बेटा। आप को कलर ऐसे कुछ दिए जाते हैं, वी हैव विद दस बेटा कलर फर्स्ट डिजिट कह लो आप, सेकंड डिजिट कह लो, सेकंड डिजिट कह लीजिए, देन आपके पास है मल्टीप्लायर, देन वी हैव टॉलरेंस बेटा। कुछ इस तरीके का टेबल बना लिया जाता है। इसमें कलर स्कीम को याद रखने का एक सौखा सा तरीका आपकी बुक्स वाले जितने भी राइटर्स हैं आपको दे देते हैं, लिख देते हैं। आई विल बी रिपीटिंग दैट, आई विल बी रादर गिविंग दैट आल्सो। इट इज बेटा बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बेटा। रिपीट करूंगा, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। कलर्स के नाम अब आप लिख लीजिए बेटा, दिस इज बेटा ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, देन दिस इज बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज। लेट मी मेक अगेन बेटा दिस, थोड़ा स्पेस कम है इस तरफ, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ इट इज समथिंग लाइक दैट। सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड बेटे वाइट आ जाएगा। आप इस तरीके से कलर्स के नाम लिख सकते हैं बेटे। और साथ ही साथ बेटे अब आप फर्स्ट डिजिट की जब आप बात करोगे, इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 9 तक आपके डिजिट्स आ जाएंगे बेटे सारे के सारे। एंड आफ्टर दिस ये सेकंड लाइन आपका ऐसे ही रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 9 रह जाएगा बेटे। अब ये मल्टीप्लायर क्या है, जो भी आपके डिजिट्स यहाँ पे हैं आप इनको 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका 10 की पावर 0 आ जाएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 पावर 9। टॉलरेंस में आप बता देते हो कि आपका जो गिवन स्पेसिमन है ये अगर आपको बेटा गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, तीन ऑप्शंस होती हैं, चौथी रिंग के लिए होता है ये, अगर गोल्ड हो तो इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 5% होता है। टॉलरेंस वर्ड का मीनिंग है कि ये 5% तक आपका जो है रेजिस्टेंस इसको वेरी कर सकता है। एंड सिल्वर में इट इज प्लस माइनस 10% एंड नो कलर इट इज प्लस माइनस बेटे 20%। एक बार फिर से कलर कोड बेटे सारे का सारा देख लीजिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। और
इनके सामने सामने बिल्कुल आपने जीरो से स्टार्ट करके नाइन तक डिजिट्स लिख दिए, सेकंड डिजिट में भी बिल्कुल ऐसे लिख दिए, थर्ड मल्टीप्लायर में आपने इन डिजिट्स को टेन की पावर्स में लिख दिया, और चौथा टॉलरेंस के केस में अगर आप बेटे ले लोगे अपना गोल्ड, इट हैज गॉट ए टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए 10% एंड गोल्ड के लिए बेटे सॉरी नो कलर के लिए 20%। सो इस तरीके से बेटे आप अपना जो है ये कलर कोड बनाकर इसको बेटा अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम एक्चुअल में इसको अप्लाई करके देखें कि हम किस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय मेकिंग गुड यूज ऑफ दिस कलर कोड। बेटा इमेजिन करिए, ये आपको एक कार्बन रेजिस्टर दे रखा है, सिलेंड्रिकल वेसल की फॉर्म में है ये, इसमें आपको 1, 2, 3 and 4 रिंग्स दिए गए हैं। लेट फर्स्ट रिंग बी ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है, सेकंड रिंग आपका मान लीजिए ये रेड कलर का है, थर्ड रिंग ये इमेजिन कर लीजिए येलो कलर का है, और फोर्थ रिंग मान लीजिए गोल्ड कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये आपको चारों रिंग्स जो हैं आपको दे दिए गए हैं, ऑरेंज रेड येलो एंड गोल्ड। अब पहला कलर हम इधर से लें कि इधर से लें, इसका भी जवाब सुनिए। जो रिंग चार रिंग्स होते हैं, एक रिंग थोड़ा ज्यादा गैप पे होता है, जो ज्यादा गैप पे होता है दैट इज एट द एंड। इधर से स्टार्ट करेंगे, पहला आपका ऑरेंज है, ऑरेंज का नंबर आपने 3 डाला हुआ है, आप लिखोगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3। देन सेकंड आपका रेड है, रेड आपका जो है ये 2 पे आ जाता है, दिस इज 2 × 10 days पर। थर्ड आ जाता है येलो, येलो आपका 4 है, 10 की पावर 4 आ जाएगा। एंड टॉलरेंस आपका बच्चों गोल्ड है, गोल्ड के केस में प्लस माइनस 5% है, इट विल बी प्लस माइनस 5%। सो मैनी ओम्स आपका रेजिस्टेंस जो है बेटा इस कार्बन रेजिस्टर का जो हमने ये चूज किया था निकल आएगा। आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, आपको कहेंगे कि कलर स्कीम लिख दीजिए, तो आपको अगेन ये याद रहना चाहिए। मेमोरी एड आपको मैंने बता दिया था, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, आप इस मेमोरी एड के साथ इसको याद रख सकते हो और आप इसको फाइनली अप्लाई कर सकते हैं बेटा। सो दैट वाज बेटे समथिंग रिगार्डिंग योर कार्बन रेजिस्टर्स एंड द मेथड टू कैलकुलेट देयर रेजिस्टेंस। बेटे आइए बेटे अब हम बात करें फर्दर मोर, इस कंसेप्ट के बाद हमारे पास बात आ जाती है बेटा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर कैसे होगा। टेम्परेचर अगर आप वेरी कर देते हो तो आपके कंडक्टर्स का या इंसुलेटर्स का कह लो या सेमीकंडक्टर्स कह लो, जो भी मटेरियल आप ले रहे हो उनके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए इसके बारे में बेटे बात करके देखें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। अगेन डियर चिल्ड्रन इमेजिन कर लीजिए, आप T1°C आपका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए, आज जितने टेम्परेचर पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो T1 है, 2, 4, 5, 10 hours के बाद लेट इट बी T2°C बेटा, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। एंड चेंज इन द टेम्परेचर कितना आ गया बेटा, चेंज इन टेम्परेचर इट इज T2°C माइनस T1°C। चेंज को डियर चिल्ड्रन डेल्टा टी आप लिख सकते हो, डेल्टा टी T2 माइनस T1 के बराबर आ गया। फर्दर मोर ये भी मान लीजिए R1 जो है लेट इट बी द इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1°C एंड R2 लेट इट बी द फाइनल रेजिस्टेंस
एट टेम्परेचर टी टू डिग्री सेंटीग्रेड, आप आर टू निकालना चाहते थे, ठीक है जी। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इनडायरेक्ट वे में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके ये इन्वेस्टिगेट किया गया है कि जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है बेटा, चेंज इन द रेजिस्टेंस, उत्तर चेंज कितना आया रेजिस्टेंस में, दिस इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, इतना चेंज आ रहा है। जो चेंज है आर टू माइनस आर वन, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर वन। सेकेंडली ये जो चेंज है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा टी बिटे, ये जो डेल्टा टी आपका यहाँ पे आया था, इन दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा आर टू माइनस आर वन इज प्रोपोर्शनल टू आर वन डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हो, आर टू माइनस आर वन इज प्रोपोर्शनल टू आर वन टी टू माइनस टी वन करके आप लिख सकते हो। अगली स्टेप में आपने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। आइए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एलिमिनेट करके देखें हमारे पास कैसा ये एक्सप्रेशन बन जाता है। वी विल हैव आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू अल्फा, इसकी जगह पे अल्फा आ गया, अल्फा इज योर टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा, अल्फा आर वन टी टू माइनस टी वन। यहां से आप अल्फा के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, अल्फा कितना आ जाएगा आपका आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन एंड टी टू माइनस टी वन बेटे। आप ध्यान से देखिएगा, अल्फा को अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए आप क्या कहोगे, अल्फा द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट राइज इन द टेम्परेचर और पर यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर। रिपीट करूंगा मैं, अल्फा द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर या पर केल्विन राइज इन द टेम्परेचर। अगर बच्चों यूनिट्स की बात कर लें तो चेंज इन द रेजिस्टेंस आपका ओम में होगा, रेजिस्टेंस ओम में होगा, टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में ले सकते हो, इट विल बी पर डिग्री सेंटीग्रेड या इट विल बी पर केल्विन, ये आपके अल्फा के यूनिट्स आ जाएंगे बेटा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेन इंटरेस्ट यहाँ पे अल्फा को डिफाइन करना नहीं था, वी इंटेंडेड टू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस आर टू। आर टू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस ऑल बेटा। आपने ऑलरेडी एक्सप्रेशन बना रखा है दैट यूर आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन, ये आपने कर चुका है ऑलरेडी। आर वन को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, आर टू दिस इज इक्वल टू आर वन प्लस अल्फा आर वन टी टू माइनस टी वन। अब देखो बेटे राइट साइड पे आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों में आर वन पड़ा है, R1 can be taken common. Again, R2, this is equal to R1 into 1 plus alpha into T2 minus T1. आपके पास ये नया resistance आ गया at a temperature T2. और बेटा ये plus sign indicate कर देता है हमारा कि हमारा R2 जो है it will be more than R1. डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट कि अल्फा आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो अल्फा पॉजिटिव है तो आपका ये बढ़ जाएगा, और अगर आपका अल्फा नेगेटिव है देन आपका आर टू जो है वो कम पड़ जाएगा। अब इसी बात के बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे
कि किन केसेस में अल्फा आपका पॉजिटिव है, किन केसेस में आपका अल्फा जो है बेटा ये नेगेटिव है। आइए बेटे इस बात पे फोकस करें, डिस्कस करें, अल्फा के बारे में बात करके देखें। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीबीएसई में, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट आल्सो बेटा। सो आइए बेटा सबसे पहले मेटल्स की बात करें। मेटल्स, मेटल्स में आपका कॉपर आ जाएगा, अल्मीनियम आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ये आपकी प्रोमिनेंट कंडक्टिंग मेटल्स हैं। इन सबके केस में अल्फा आपका बेटे जो है ये पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है आर टू विल बी मोर देन आर वन, और यू कैन से दैट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। आप अपने अल्मीनियम की, कॉपर की, सिल्वर की कंडक्टिंग कंडक्टर्स की बात कर रहे हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़े हुए टेम्परेचर पर इनका अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विल आल्सो बिकम मोर बेटा। दिस इज वन पॉइंट। अगर हम बात करें बेटा सेमीकंडक्टर्स की बेटे, सेमीकंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल्स होते हैं बेटा, सुन लीजिए थोड़ा सा, जो लो टेम्परेचर पर बेटा इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं और रूम टेम्परेचर पर दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स बेटे। इनके केस में अल्फा आपका नेगेटिव होता है और इट विल मीन दैट आर टू विल बी लेस देन आर वन, और आप कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द अल्फा। सो तीसरा केस हमारे पास है बेटे मेटल्स और आपकी सेमीकंडक्टर्स के बाद जो मेटलॉइड्स होते हैं या अलॉयज जिनको आप बोला करते हो, अलॉयज के केस में हम क्या करते हैं। अलॉयज आपके पास बड़ा अच्छा एग्जांपल है कंस्टेंटन, ये कॉपर सिल्वर एंड आपका जो निकल वगैरह है इनकी कुछ इसमें परसेंटेजेस अलग अलग मिक्स की होती हैं। कंस्टेंटन एक अलॉय है, मैगनिन भी एक अलॉय है। कंस्टेंटन एंड मैगनिन के लिए आपका अल्फा जो है इट इज बिट ए पॉजिटिव बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर राइज करेगा भी तो आपके रेजिस्टेंस में कोई बहुत चेंज नहीं आएगा। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है ये 10^-8 के ऑर्डर का होता है। अगर आप 10, 20, 50 डिग्री टेम्परेचर वेरी भी कर दोगे ना तो आर टू जो है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर वन। कोई मेजर चेंज आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चेंज आएगा भी तो वो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो दैट हार्डली मैटर्स बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, आपको बहुत बार पुराना सैंपल पेपर आप उठा के देख लेना, सीबीएसई में रिपीटेडली पूछा जाता है कि वाई कॉन्स्टेंटन एंड मैगनिन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स विद यू। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आपकी वो कॉइल्स हैं जिन कॉइल्स की हेल्प के साथ आप किसी चीज का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो। एग्जाम्पल लूंगा एक यहाँ पे आपके लिए, आप एक लाइन की लेंथ मेजर करना चाहते हो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, आप स्केल उठाकर उसके साथ कंपेयर करके उसकी लेंथ मेजर कर लेते हो। ऐसे ही आप एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, आपके पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल होगा, आप उसके साथ कंपेयर करके उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लोगे। अब दिक्कत कहाँ आती है, अगर आप बेटे कॉपर सिल्वर या अल्मीनियम यानी मेटल का बना हुआ कंडक्टर यूज करोगे तो उस केस में व्हाट विल बी द सिचुएशन, दैट विद द राइज इन द टेम्परेचर बिकॉज अल्फा विल बी पॉजिटिव इन दैट केस उनका अपना रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अगर आप मेटल का बना हुआ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल यूज करोगे जिसके साथ आपने मेजरमेंट करना है, वो खुद ही बदल गया टेम्परेचर राइज होने पे, तो जिस चीज को वो मेजर करेगा दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग।
लेकिन अगर हम बात करें अलॉयज की, अलॉयज में टेम्परेचर के राइज होने पे कोई चेंज नहीं आता रेजिस्टेंस की टर्म्स में, तो वी कैन यूज दैट। अब हम बात क्यों कर रहे हैं टेम्परेचर के राइज होने की, इसका क्या मतलब है? बेटे जब भी आपका करंट फ्लो होगा कंडक्टर्स में से, आपने डिस्कस कर रखा है एच इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर इंटू टी, इसके हिसाब से आपके कंडक्टर के अंदर हीट डेवलप होती है, गर्म हो जाता है कंडक्टर। आपकी कंडक्टिंग वायर्स अगर आप टच करके देखो ना, आप सप्लाई को बंद करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग ऑफ द सप्लाई, वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और इसका मतलब है कि उनमें हीट डेवलप होता है, और अगर हीट डेवलप हुआ उनका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स को मेटल्स का ना बनाकर कंस्टेंटन या मैगनिन अलॉयज से ही बनाया जाता है। सो दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर बेटा। देन आई विल बी कमिंग टू द केस ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर बेटे। लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक आल्सो, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर जाती है। कल आपने रेजिस्टिविटी के बारे में बेसिक्स सारे पढ़ लिए थे, रेजिस्टिविटी को आपने रो से बेटा डिनोट किया था। लेट मी अगेन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर बेटा। रेजिस्टिविटी रो आपका जो था, इट वाज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, आपने किया था कल डिस्कस बेटा। इसमें चलिए अगर मैं और बात कर लूं, एम आपका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ई चार्ज है, तो ये तो आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं। एन और टाओ, ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका कोलिजंस फ्रीक्वेंट होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, टाओ मतलब कम हो जाएगा विद द राइज इन द टेम्परेचर, रो बढ़ जाएगा, मेटल्स के केस में कह रहा हूँ। सो इन दिस वे बेटा आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की उल्टी कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाएगी बेटा। आइए थोड़ी बात करके देखें, रो वन रेजिस्टिविटी एट T1°C, रो टू रेजिस्टिविटी एट T2°C, एंड चेंज इन द रेजिस्टिविटी रो टू माइनस रो वन, दिस इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी। चेंज इन टेम्परेचर आपका आ गया T2 - T1, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके बताया जाता है कि जो वेरिएशन इन द रेजिस्टिविटी है Rho2 - Rho1 जो है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द चेंज इन द टेम्परेचर T2 - T1। कंबाइन कर लीजिए, Rho2 - Rho1 इज प्रोपोर्शनल टू Rho1 T2 - T1। इसको मैं हटाऊंगा, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मेरे पास आ जाता है अल्फा बार, दिस इज टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, Rho1 T2 - T1 आ जाएगा बेटा। यहां से आप अल्फा बार को डिफाइन भी कर सकते हो, इट इज चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, यूनिट्स फिर इसके पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन आप बेटा कह सकते हो। देन अगर आपको रेजिस्टिविटी एट ए न्यू टेम्परेचर निकालनी पड़ जाए, आपने अभी अभी ये एक्सप्रेशन लिख रखा है Rho2 - Rho1 इज अल्फा बार Rho1 T2 - T1। रो वन को आप शिफ्ट कर दीजिए दूसरी साइड पे, जब आप रो वन को शिफ्ट करोगे बेटा डियर चिल्ड्रन, आपके पास बनेगा जी Rho2, दिस इज इक्वल टू Rho1 प्लस अल्फा बार Rho1 T2 - T1। Rho2 = Rho1 आपने कॉमन लिया, 1 + अल्फा बार एंड T2 - T1,
ये आपके पास बेटे रेजिस्टिविटी फाइनल वैल्यू आपको मिल जाती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपके जो मेटल्स हैं, मेटल्स के लिए अल्फा बार आपका पॉजिटिव है बेटा, इसका मतलब है कि मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन बेटे एक बात यहाँ पे और डिस्कस करने वाली है कि लो टेम्परेचर रेंजेस में ये डिपेंडेंस लीनियर नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपके इस सिचुएशन में मेटल्स की, बेटा अल्मीनियम है, जैसे अल्मीनियम मेटल आपने लिया, इधर आपने टेम्परेचर इस तरफ रो लिया, ओरिजिन है, लो टेम्परेचर रेंज में ये इमीडिएटली बेटे ये नॉन लीनियर वेरिएशन इंडिकेट कर देता है। अदरवाइज तो आप देख रहे हो कि ये लीनियर डिपेंडेंस है, यहाँ पे ये डिपेंडेंस लीनियर नहीं रही है, ये इसमें एक आप कह सकते हो कि आपका एक्सेप्शन है। मेटल्स के केस में लो टेम्परेचर रेंजेस में जो आपकी रेजिस्टिविटी है ये यहाँ पे थोड़ा सा नॉन लीनियर हो गई है, यहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़ गई है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। अगर आप बात करो बेटा अपने सेमीकंडक्टर्स की, बेटा सेमीकंडक्टर्स के केस में आपका जो अल्फा बार है दैट इज नेगेटिव, इट विल मीन दैट कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है दैट विल डिक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर। सो आप कह सकते हो आपने अगर टेम्परेचर इन एक्सिस पे प्लॉट किया है और रेजिस्टिविटी इन एक्सिस पे प्लॉट की है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, इट विल बी इंडिकेटिंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी एज द टेम्परेचर विल बी बेटा राइजिंग। सो बेटे मैं रिकैप्चुलेट करूंगा सारे पॉइंट्स एक बार फिर से, बेटा आपका रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ही है। रेजिस्टेंस में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा था, यहाँ पे अल्फा बार आ गया, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेटे इसको डिफाइन करने के लिए आप बाकी सारी टर्म्स को एडजस्ट कर दीजिए, दिस इज चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। अगर आप यूनिट्स को देख लोगे इट विल बी पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, दैट विल रिमेन एज सच। और नई रेजिस्टिविटी निकालने के लिए इस रो वन को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लो, और जब आप शिफ्ट कर लोगे तो आप देखो दो टर्म्स में रो वन आ रहा है, रो वन को आपने कॉमन लिया और आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया, मेटल्स के लिए अल्फा बार पॉजिटिव है और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा बार आपका नेगेटिव रहा करता है। सो इन दिस मैनर बेटे हम अपनी रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं। सो विद दिस ऑल बेटा आई एंड अप द मीटिंग ओवर हियर। कल हम बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स दो तीन डिराइव करेंगे, सो दैट वी विल बी टेकिंग अप टुमारो। सो फॉर द डे थम्स अप फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल बेटा, आप ये काम कर लीजिएगा, इसको पढ़ के देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल बेटे।